मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो राज्यवासियों को संक्रमण से बचाने का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों की भी हम वैक्सीन लगाकर उन लोगों को इस संक्रमण से बचाने की सरकार प्रयास करेगी। उसके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि जो तकरीबन इस राज्य में 18 से 45 वर्ष के जो जनसंख्या के दायरे में 50 लाख के आसपास लोग आते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है तो 1 करोड़ डोज इस राज्य के लोगों को निःशुल्क लगाने का सरकार का जो निर्णय है, जिसपे 450 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि 90% इसमें जो कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन को लगा करके इसके इस तरह से इसका रेशियो तय किया है, जिस रेशियो के हिसाब से लगाया जाएगा। फर्स्ट फेज में हम 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन ऑर्डर दिया जाएगा। इसके लिए कोविशील्ड की कॉस्ट करीबन 400 रुपया है और जो कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो निर्णय लिया गया है कि ताकि इसकी कमी ना बने और तत्काल ही उपलब्ध रहें, तो एडवांस पेमेंट के लिए ऑथराइज किया गया है डायरेक्टर जो हमारे डीजी हेल्थ और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन दोनों को इसके लिए ऑथराइज किया गया है। और इसमें कोई भी जो आपका अननेस्ट मनी और बैंक ड्राफ्ट को समाप्त करने का प्राविधान किया गया है, ताकि बहुत शीघ्र ये चीज़ें राज्य को उपलब्ध हो सके और राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ सचिन कुर्वे जो हमारे सचिव उद्योग हैं, उनको अधिकृत किया गया है कि वो इन कंपनीज के साथ डिस्कस करके यथाशीघ्र इन वैक्सीन को राज्य के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि राज्य के लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही जिस तरह से रेमडेसिविर जो इस इंजेक्शन की बहुत बड़ी जिस तरह से डिमांड है और जिस तरह से लोग तमाम अफरा तफरी मच रही थी, इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके लिए 100% एडवांस का प्रावधान किया गया है। प्रोक्योरमेंट रूल से उनको छूट दी गई है कि वो 100% एडवांस के माध्यम से जो इसको तत्काल ये राज्य में यथा डिमांड उसकी डिमांड दे दी जाए उस राज्य की डिमांड के हिसाब से। और इसमें भी बैंक गारंटी और जो अननेस्ट मनी जो ड्राफ्ट होता है इससे इसको मुक्त किया गया है, ताकि यथाशीघ्र हम इस दवाई को राज्य में उपलब्ध करा सकें। सरकार ने जो निर्णय लिया, जो हमारे जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है, और खासकर 5 बड़े जो नगर हैं, मतलब देहरादून, आपका रुद्रपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी, इन पर पूर्णतः से जो कर्फ्यू लगाने का निर्णय है उसको बहुत कड़ाई के साथ उसको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका पौड़ी जनपद में कोटद्वार के साथ साथ स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला क्षेत्र, टेहरी जनपद में ढालवाला, मुनिकरेती और तपोवन का संपूर्ण क्षेत्र, और कुंभ के बाद, क्योंकि अभी कुंभ का चल रहा है, कल अंतिम स्नान है, उसके बाद निश्चित रूप से हरिद्वार के संबंध में भी ये इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, जिसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और आज सरकार इस बारे में कृतसंकल्प है कि जो इस कर्फ्यू के दौरान उद्योगों पर कोई असर न पड़े, उद्योगों में काम करने वालों को बेरोक टोक उनके औद्यानिक जो उनके संस्थान उन पर जाने दिया जाएगा। पत्रकार भाइयों के लिए, आप लोगों के लिए भी एक सूचना है कि आपके प्रेस कार्ड ही आपके लिए कर्फ्यू पास का काम करेंगे, ताकि आप बेरोक टोक इसके अपने जो कवरेज के लिए आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपके जो प्रेस कार्ड्स हैं वो पास का काम करेंगे। मजदूरों के आवागमन को मुक्त रखा गया है, मजदूर जो ताकि किसी तरह के निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है, और हर तरह का किसी तरह का निर्माण कार्य प्रभावित न हो, इसका भी सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, ताकि जहाँ एक ओर हम इस संक्रमण को रोकने में सफल हो सकें, वहाँ दूसरी ओर हमारी व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े, व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती रहें। जो कई महत्वपूर्ण निर्णय कोविड के संबंध में सरकार ने लिए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क न पहनने पर सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों और परिसरों में जो 500 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का दंड का प्राविधान था, उसको बढ़ा करके 500, 700 और 1000 रुपये करने का निर्णय सब कैबिनेट डाल दिया, ताकि मास्क के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील रहें और इस संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही जो कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए जो पिछली बार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में
जो सृजित संकाय चिकित्सकों के कुल 958 पदों का 50% यानी 479 अस्थायी पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से जो कार्मिकों को लगाया गया था उनकी सेवा अवधि को 28 फरवरी 2022 तक विस्तारित किए जाने और उन सबको संविदा के आधार पर नियुक्ति देने का अधिकार कैबिनेट के द्वारा संबंधित प्राचार्यों को देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कुंभ मेला द्वारा जो संचालित जो हरिद्वार में हमारे आधार चिकित्सालय जो संचालित आधार चिकित्सालय और बाबा बर्फानी चिकित्सालय हैं और जो अन्य हैं उनको 3 माह तक या जो कुंभ के दृष्टिगत बनाए गए थे उनको 3 माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया ताकि और उनके लिए जो स्टाफ था उसको भी 3 महीने की और अतिरिक्त एक्सटेंशन देने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया ताकि हरिद्वार जनपद में भी इस पर हम लोग तेजी से काम कर सकें। इसके साथ साथ जो मानव संसाधनों की आवश्यकता जो थी और जिस तरह से विगत में भी हमने लगाया था उसके लिए भी जो संविदा पर चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्स की तैनाती और उनको मानदेय का जो भुगतान था इसके संबंध में भी माननीय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ये यथावत इसको पूर्व की भांति इसको लगातार हम लगाते रहें। जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय लिया गया था जिसमें कैबिनेट को तकरीबन 15-16 एडवाइजरी कैबिनेट ने की थी उन पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई और व्यवहारिकता के आधार पर जो भी संभव होगा वो राज्य में निश्चित रूप से संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार उन चीज़ों को लागू करेगी। इसके साथ साथ हमारे जो राज्य का पब्लिक जो डेबिट हमारा मैनुअल है उसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उसको बनाया गया है। इसमें राज्य सरकार के कैश और जो डेबिट हमारी है उस डेबिट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस उसको डिफाइन किया गया है और राज्य सरकार द्वारा RBI के माध्यम से जो मार्केट लोन लेती है इस मैनुअल में उसकी प्रोसेस को डिफाइन किया गया है ताकि ये हमारे पास आंकड़े उपलब्ध रहें। एक से साथ साथ DIT विश्वविद्यालय के संबंध में 2 अधिनियम 2012 में बने थे DIT विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 और इसके दूसरा था IMS यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012। इनमें 2 संशोधन किए गए हैं जिन संशोधनों में जहाँ जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 21 न्यू कैंट रोड हाथीबड़कुला देहरादून लिखा गया है उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन तृतीय तल प्रशासनिक ब्लॉक IMS यूनियन विश्वविद्यालय ग्राम मक्का वाला उत्तराखंड। इसके अलावा उपनल के हमारे जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट उपनल के कार्मिकों के संबंध में आज मंत्रिमंडल में समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर व्यापक चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने एक मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाने का निर्णय लिया और इस उपसमिति में गणेश जोशी जी की अध्यक्षता में उपसमिति बनी है जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक और वित्त सचिव को इसका सदस्य बनाया गया और ताकि उपनल के जो कर्मी हैं उनकी समस्याओं के बारे में हम उनका निराकरण कर सकें। एक महत्वपूर्ण निर्णय जिस तरह भारत के अंदर पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम बनाया गया था लेकिन उसमें जो प्राविधान था कि जिला पंचायतों के एकीकृत संरचनात्मक जो उनका स्ट्रक्चर है उस ढांचे को किस तरह से बनाया जाए उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मंत्रिमंडल ने लिया क्योंकि जिला पंचायत एक स्वायत्त शासी संस्था है और अपने कार्मिकों का वेतन वो स्वयं के संसाधनों से करती है लेकिन उनको पद जिस तरह से काफ़ी समय से मांगे जा रहे थे वो डिमांड थी वो नहीं हो पा रहा था। पहली बार ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि हमने 570 पदों का ढांचा जिला पंचायतों के लिए आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया और इसके साथ साथ निदेशालय में भी मंत्रिमंडल के द्वारा ढांचा स्वीकृत किया गया ताकि जिला पंचायत निदेशालय के साथ साथ जिला पंचायतें अपनी जो मानव शक्ति होनी चाहिए उसके आवश्यकता अनुसार उस पर काम कर सके। आज इस तरह के मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय हुए और ये सरकार का दृढ़ संकल्प है कि कोविड की लड़ाई को जन सहभागिता के साथ हम जीत सकें। इसलिए जन सहभागिता और जन जागरूकता इसकी आवश्यकता को देखते हुए मंत्रिमंडल ने इस प्रदेश की जनता से अनुरोध भी किया है कि प्रदेश की जनता एडवाइजरी का पालन करते हुए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानक को अपनाते हुए मास्क पहनकर और कम से कम अपने बहुत आवश्यक काम पर बाहर निकले ताकि इस कोविड की महामारी से हम जीत सकें। ये मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता से अनुरोध किया।